तो ठीक है, आज हम पढ़ेंगे एडेप्टिव रेडिएशंस के बारे में। ठीक है, आज यूनिट सेकंड को हम जो है फिनिश करेंगे। इसमें एवोल्यूशन ऑफ मैन जो है वो आपका रह जाएगा, क्योंकि जो है वो आप जो है या तो खुद आप देख लो उसको पहले। ठीक है, अगर आपको अंडरस्टैंड नहीं होता है वहां पर जो है बोर्ड के ऊपर थ्रू लेक्चर में आपको सारी चीजें उसमें नहीं बता सकता हूं, उसके लिए हमने क्लास इंटरेक्शन जो है वो जरूरी है। तो ह्यूमन एवोल्यूशन में एट द एंड ट्राई करूंगा कि मैं वो भी आपको पढ़ाऊं। तो जो इसमें लास्ट में रह जाता है वो है अडेप्टिव रेडिएशन और जो है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के बारे में हमने पढ़ना है। इसके बाद हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल जो है वो भी पढ़ना है इसमें। ठीक है, तो अडेप्टिव रेडिएशन किसको कहते हैं? अडेप्टिव रेडिएशन जिसको हम कहते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। क्या कहते हैं? इट्स आल्सो कॉल्ड एज डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। आपकी एग्जाम सिलेबस में है व्हाट डू यू मीन बाय अडेप्टिव रेडिएशन। तो अडेप्टिव रेडिएशन का जो कंसेप्ट है ये एवोल्यूशन में किसने दिया था? द कंसेप्ट ऑफ अडेप्टिव रेडिएशन, अडेप्टिव रेडिएशन इन एवोल्यूशन वॉज गिवन बाय, ये दिया था एक बायोलॉजिस्ट ने, उसका नाम था ऑसबॉर्न। ठीक है, 1908 में लगभग वो देता है कंसेप्ट इसका। द कंसेप्ट ऑफ अडेप्टिव रेडिएशन इन द एवोल्यूशन वॉज गिवन बाय ऑसबॉर्न। एच ऑसबॉर्न या ओएच ऑसबॉर्न कुछ ऐसा नाम था इनका, इन्होंने अडेप्टिव रेडिएशन का कंसेप्ट दिया था। अडेप्टिव रेडिएशन हम किसको कहते हैं? अडेप्टिव रेडिएशन का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको होमोलॉगस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ाया था, होमोलॉगस ऑर्गन्स में मैंने आपको बताया था उसको हम डाइवर्जेंट एवोल्यूशन भी कहते हैं, यानी एक ही एंसिस्टर फॉर्म से डिफरेंट फंक्शनल स्ट्रक्चर्स का वजूद में आ जाना। जैसे मैंने उसमें कहा था कि होमोलॉगस ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जो जिनका स्ट्रक्चर सेम होता है बट फंक्शन डिफरेंट होती है। तो डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस में रहने के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अपने अपने जो चीजें, एक जैसी चीजें जो उनमें थी वो अलग अलग आकार की बनानी पड़ी अलग अलग एनवायरमेंट में रहने के लिए, टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। अदरवाइज प्रैक्टिकली देखा जाए तो उनके अंदर वो चीजें जो है वो एक ही एंसेस्टर से डिराइव हुई होती है। ठीक है, तो दिस अडेप्टिव रेडिएशन का मतलब होता है, अगर इसको डिफाइन करेंगे तो द डेवलपमेंट ऑफ the development of different functional structures, the development of different functional structures from a single common ancestral form या एंसेस्ट्रल वन से, जो एक कॉमन एंसेस्टर होता है उससे जो है डिफरेंट फंक्शनल स्ट्रक्चर्स का वजूद में आना, दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज अडेप्टिव रेडिएशन। इसी अडेप्टिव रेडिएशन का कंसेप्ट दिया था इस ऑसबॉर्न ने। तो द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट फंक्शनल स्ट्रक्चर्स फ्रॉम अ सिंगल कॉमन एंसेस्टर फॉर्म इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं अडेप्टिव रेडिएशन। क्या कहते हैं? अडेप्टिव रेडिएशन बोलते हैं। क्लियर? तो इसमें एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको समझाऊंगा। तो अडेप्टिव रेडिएशन पहले आप समझो क्या होता है, एक ही एंसेस्टर से डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का वजूद में आना, बट एंसेस्टर उनका कॉमन है, दैट मींस वो इवॉल्व हो गए हैं कॉमन एंसेस्टर से, लेकिन डिफरेंट एनवायरमेंट में रहकर उनको अपने जो स्ट्रक्चर्स है उनको डिफरेंट तरीके से वो मॉडिफाई करके जो है डिफरेंट फंक्शंस करने पे वो मजबूर हो गए, उनसे डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए उन स्ट्रक्चर्स से, तो उसको कहते हैं हम अडेप्टिव रेडिएशन। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल नंबर वन मैं दूंगा इसमें एग्जांपल डार्विन्स फिंचेस। डार्विन जब गया था एक आइलैंड्स पे, ऑस्ट्रेलिया के अराउंड जो आइलैंड्स है उन्हें कहते हैं गैलापागोस,
आइलैंड्स, वहां पर कौन गया था? डार्विन गया था. अंडरस्टैंड, ये डार्विन एक लंबे से एक सफर पे गया था, एक बड़ा वोवेज, इनका एक बड़ा समंद्री सफर था. 5 साल के लिए एक्सपेडिशन पे गए थे. एचएमएस बीगल इनका एक शिप था जिसमें इनका टीम और डार्विन जो है वो सवार थे, अपने क्रू के साथ, अपने टीम के साथ, अपने जो है जो इसका चलाने वाला होता है जहाज का, उनके साथ, कैप्टन के साथ. तो जो है इनको वहां पर एक्सप्लोर करना था इन 5 सालों में इनवर्टिब्रेट लाइफ, कितने किस्म के इनवर्टिब्रेट्स पाए जाते हैं. वहीं पर डार्विन ने जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टडी किए. गैलापागोस आइलैंड्स पे गया डार्विन, तो वहां पर उसने टॉर्टाइजेस को, जाइंट टॉर्टाइजेस को स्टडी किया. वहां पर मगरमच्छ को उन्होंने स्टडी किया. वहां पर जो है इन्होंने जो है इन डार्विन्स फिंच जिनको कहते हैं हम, इनको भी देखा. ये फिंच एक किस्म की जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिजन्स थे वहां पर है. तो ये पिजन जो है डार्विन ने कहा कि इनका जो बीक था वो वेरियसली मॉडिफाइड था. अलग अलग आइलैंड में रहकर अलग अलग उनका एक फूड हैबिट डेवलप हो गया था, तो वो फूड हैबिट डेवलप होने से उनके चोंच जो थे मॉडिफाई हो गए थे. बट डार्विन ने देखा कि उनमें कोरिलेशन था, वो थे तो एक जैसे, एंसेस्टर उनका एक था, बट जो है अलग अलग एनवायरमेंट में रहकर उनने अपने बीक को अलग तरीके से मॉडिफाई किया था अलग फूड हैबिट के लिए. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डाइवर्जेंट एवोल्यूशन. एक ही एंसेस्टर बट चोंच डिफरेंट मॉडिफाई होना अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए. कोई मीट खाता था उससे, कोई नट क्रेक करता था, कोई नेक्टर सक करता था, कोई जो है डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स के हिसाब से उनका बीक मॉडिफाई हुआ था. तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ adaptive radiation, and adaptive radiations are the best examples that evidences that that provide us the evidence that evolution has occurred on to living organisms mein evolution hua hai. theek hai, ye ek example hai. dusri example mein bataunga australian marsupials ki. marsupial aap jante ho, marsupial aise mammals ko kehte hain जिनके पास एक पाउच होता है, जैसे आप कंगारू में देखते हो एक पाउच होता है और उस पाउच के अंदर वो अपने बच्चे को रखता है, तो इन्हें कहते हैं ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स. अंडरस्टैंड, ये ऑस्ट्रेलिया उसके नेबरिंग कंट्रीज आइलैंड्स में पाए जाते हैं. तो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स का एक ही जो है एंसेस्टर था, एक पाउच मैमल था, वो एक ही एंसेस्टर था, उसी से जो है वो डिफरेंट टाइप्स के वो हो गए. अंडरस्टैंड, अलग अलग हैबिटेट्स में, अलग अलग एनवायरमेंट्स में रहते हैं, लेकिन पाउच उनके पास है, उसी एंसेस्टर जैसा कैरेक्टर उनमें पाया जाता है. ठीक है, तो जैसे इसको कहते हैं मार्सुपियल रेडिएशन. क्या कहते हैं? मार्सुपियल रेडिएशन. अलग अलग एनवायरमेंट्स में रहकर वो अलग अलग तरीके से जो है मॉडिफाई हो गए, लेकिन उनका एंसेस्टर एक ही था. फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां पर लिखूंगा एक मार्सुपियल रेडिएशन, इससे कौन कौन सा जो है एनिमल वजूद में आ गया. एक साइड से इससे निकला टेस्मैनियन वुल्फ, ठीक है, तो दूसरी साइड से इससे निकला फ्लाइंग फैलेंजर. ये सब के सब मैमल्स होते हैं. अंडरस्टैंड, तीसरे साइड से निकला कुआला. देखते हो आप, छोटा सा बालू जैसा होता है, पेड़ पे रहने वाला. देन कैंगरू जो है उसको आप जानते हो. देन मार्सुपियल रैट. दिस इज आल्सो वन मार्सुपियल रेडिएशन. देन टेस्मैनियन टाइगर रैट. टेस्मैनियन टाइगर कैट. अंडरस्टैंड, इनका एंसेस्टर कहा जाता है एक ही एंसेस्टर था, तो उनसे जो है ये डिफरेंट एनवायरमेंट में रहने वाले जो है वो वजूद में आ गए रेडिएशंस. तो इनको बोलते हैं जिन्होंने जो है अपने अपने स्ट्रक्चर्स को अलग अलग तरीके से मॉडिफाई किया, तो अलग अलग फंक्शन जो है, अलग अलग काम करने के लिए, अलग अलग फूड हैबिट्स, अलग अलग एनवायरमेंट में रहकर अलग अलग जो है उनके वो हैबिट्स डेवलप हो गए.
तो ये भी एक एग्जाम्पल है. या तीसरी एग्जाम्पल मैं दूंगा, बेस्ट एग्जाम्पल दैट इज जिसको हम कहेंगे लोकोमोशन इन वर्टिब्रेट्स. वर्टिब्रेट्स की जो है लोकोमोशन, ये बेस्ट एग्जाम्पल है एडेप्टिव राइटेशन की. तो एडेप्टिव राइटेशन आपको समझ आया, एक ही एंसेस्ट्रल फॉर्म से डिफरेंट फंक्शनल लिविंग ऑर्गेनिजम्स या फंक्शनल स्ट्रक्चर्स का वजूद में आ जाना. जो एक ही तो था वो एंसेस्टर, लेकिन अलग अलग एनिमल्स उनसे जो है इवॉल्व हो गए, अलग अलग एनवायरमेंट में रहकर उन्होंने अलग अलग स्ट्रक्चर्स डेवलप किए उस एनवायरमेंट में एडजस्ट होने के लिए. फंक्शनल स्ट्रक्चर्स, उधर उसका एक फंक्शन था, उन सब में उसका अलग अलग फंक्शन हो गया. ठीक है, लोकोमोशन इन वर्टेब्रेट्स. ठीक है, जैसे आप देखोगे कहा जाता है इन वर्टेब्रेट्स का एक सब का एक जो है वो था एक वॉकिंग एंसेस्ट्रल प्रिमिटिव इंसेक्टिवर. क्या था वो? वॉकिंग एंसेस्ट्रल प्रिमिटिव वर्टिब्रेट. वो वॉकिंग एंसेस्ट्रल प्रिमिटिव वर्टिब्रेट जो था वो वॉक करता था, वर्टिब्रेट था उसका, वर्टेब्रल कॉलम था, वॉक करके वो चलता था, लोकोमोट करता था. उससे जो है वजूद में आ गए डिफरेंट अडेप्टिव रेडिएशंस. जैसे एक साइड से निकला स्विमिंग सील. देखो सील को आप जानते हो समंदर में होती है, स्विम करती है. तो दूसरे साइड से जो है मैं बोलूंगा इससे निकला फ्लाइंग बैट. अंडरस्टैंड, ये भी एक मैमल है. तो बैट क्या करता है? वर्टेब्रेट भी है, फ्लाई करता है. सील स्विम करता है, बैट फ्लाई करता है. डिफरेंट फंक्शंस है ना, डिफरेंट फंक्शनल स्ट्रक्चर्स है ना इनमें. तो इसको कहते हैं अडेप्टिव रेडिएशन. तीसरे साइड से आप देखोगे तो लीपिंग कैंगारू. कैंगारू को आपने देखा होगा कैसे चलता है, लीप करके. तो लीपिंग कैंगारू. चौथे साइड से आप देखोगे तो रनिंग हर्बीवोर, घास खाने वाला डियर जो तेज दौड़ता है. पांचवी साइड से आप देखोगे तो रनिंग कार्निवोर जैसे चीता, बहुत तेज दौड़ने वाला है ना. डिफरेंट फंक्शनल स्ट्रक्चर. ये था वॉक करने वाला, ये है तेज दौड़ने वाला, ये भी तेज दौड़ने वाला, ये लीप करने वाला, कूद कूद के चलने वाला, फ्लाइंग फैट उड़ के चलने वाला, स्विमिंग सील है जो है स्विम करके चलने वाला, और जो है आर्बोरियल स्क्वायरल, एक ऐसा स्क्वायरल जो ट्री पे रहता है, एक ट्री से दूसरे ट्री चलता है. तो दीज आर डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट फंक्शनल स्ट्रक्चर्स फ्रॉम दिस कॉमन एंसेस्टर. इस कॉमन एंसेस्टर से वजूद में आना डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अडेप्टिव रेडिएशंस. अंडरस्टैंड, समझ गया? तो ये था अडेप्टिव रेडिएशंस का कंसेप्ट. अब आपने पढ़ना है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, जिसको हम बोलते हैं अडेप्टिव कन्वर्जेंस. क्या बोलते हैं? अडेप्टिव कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन. कन्वर्जेंट एवोल्यूशन और अडेप्टिव कन्वर्जेंस, अडेप्टिव कन्वर्जेंस ये उसका अपोजिट है. अभी मैंने पढ़ा है अडेप्टिव रेडिएशन, एक कॉमन एंसेस्ट्रल फॉर्म से डिफरेंट फंक्शनल स्ट्रक्चर्स का वजूद में आना. यहां पर मैं बताऊंगा डिफरेंट एंसेस्टर्स से एक कॉमन फंक्शनल स्ट्रक्चर वजूद में आ जाना है. सो मैं क्या लिखूंगा, द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन फंक्शनल स्ट्रक्चर्स. उधर मैंने कहा था डिफरेंट फंक्शनल स्ट्रक्चर्स, यहां पर बोलूंगा कॉमन फंक्शनल स्ट्रक्चर्स फ्रॉम डिफरेंट एंसेस्टर. वहां पर मैंने क्या बोला था, सेम एंसेस्टर फ्रॉम डिफरेंट एंसेस्ट्रल फॉर्म्स इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन. मैंने आपको एनालॉगस ऑर्गन्स पढ़ाए थे. एनालॉगस ऑर्गन्स कौन होते हैं? जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, फंक्शन सेम होता है. यानी डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स और एक ही जैसे एनवायरमेंट में रहकर एक ही जैसे फंक्शनल स्ट्रक्चर्स वजूद में लाना, दैट्स कॉल्ड कन्वर्जेंट एवोल्यूशन. द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन फंक्शनल स्ट्रक्चर्स फ्रॉम डिफरेंट एंसेस्ट्रल फॉर्म्स इज कॉल्ड
different functional strict from different structural forms, rather we can say from different structures, common functional structure वजूद में आ जाना, उसको हम बोलते हैं convergent evolution. इसकी एक best example है wings in birds, insects. Understand? या आप देख लो bat में भी. Understand? तो ये total जो है different structures है ना, बैट के विंग्स, बर्ड के विंग्स, इंसेक्ट विंग्स, टोटल डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है, लेकिन फंक्शन इनका क्या है, सेम है, फ्लाई करने के काम आते हैं सब में. अंडरस्टैंड. दूसरा एग्जांपल है दैट्स कॉल्ड वेरियस एक्वाटिक वर्टिब्रेट्स, पानी में रहने वाले डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वाटिक वर्टिब्रेट्स. इसमें मछलियां भी है, इसमें बहुत सारे वर्टिब्रेट्स है, जैसे शार्क्स है, जैसे डॉल्फिन्स है, जैसे व्हेल्स है, तो कुछ मैमल्स है, कुछ पाइसिस को बिलोंग करते हैं, कुछ एम्फीबिया को भी बिलोंग करते हैं, तो कुछ रेप्टिलिया को भी बिलोंग करते हैं, एक्वाटिक वर्टेब्रेट्स. अंडरस्टैंड. मगर उन्होंने एक ही जैसे स्ट्रक्चर जो है, उन्होंने एक ही जैसे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को जो है मॉडिफाई किया एक ही जैसा फंक्शन परफॉर्म करने के लिए. क्या करने के लिए? स्विमिंग करने के लिए. मछलियों में फिन्स, जो फिन्स होती है, न हड्डी होती है उनमें, न कुछ होता है, जस्ट स्किन से उठती हुई जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो उनको लोकोमोशन का काम करते हैं. उसी तरह देख लो आप, अगर उधर देखोगे आप एक वेल, उसमें जो है मॉडिफाइड लेग्स होती है जो उसको फ्लिपर्स बनाती है, तो वो उससे स्विम करते हैं, जिनमें जो पेंटाडेक्टाइल होते हैं. अंडरस्टैंड. तो इसको कहते हैं हम कन्वर्जेंट एवोल्यूशन. लास्ट टॉपिक है इसका, दैट्स कॉल्ड हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल. उसको बोलते हैं हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल. ठीक है, ये हार्डी-वीनबर्ग जो है इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल, ये किसने दिया था? ये दो बायोलॉजिस्ट ने दिए था, एक था जी एच हार्डी जो था, ये क्या कहते हैं इसको, एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था, इंग्लिश मैथमेटिशियन था. और डब्ल्यू वीनबर्ग जो था, ये एक जर्मन फिजिशियन था. क्या था? जर्मन फिजिशियन. इन दोनों ने 1908 में एक प्रिंसिपल दिया था जिसको कहते हैं हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल. ये प्रिंसिपल डिस्क्राइब करता है एक थ्योरेटिकल कंडीशन ऑफ ए नॉन इवॉल्विंग स्पीशीज. ठीक है, नॉन इवॉल्विंग स्पीशीज, एक नॉन इवॉल्विंग स्पीशीज जो होती है, जिस स्पीशीज में एवोल्यूशन नहीं होता है, उसमें जो है कंडीशन कैसी होती है, और उसके अंदर जो अलील्स होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होती है. अंडरस्टैंड. जैसे आप जानते हैं, एक जो है नॉन इवॉल्विंग स्पीशीज के बारे में ये बताते हैं, ये बोलते हैं एक नॉन इवॉल्विंग स्पीशीज जो होती है उनके अंदर जो भी अलील फ्रीक्वेंसीज होती है वो कांस्टेंट होती है. ठीक है, यानी वो कभी चेंज नहीं होती है. जैसे आप जानते हैं एक स्पीशीज में जब भी म्यूटेशंस आ जाते हैं, तो म्यूटेशंस इंड्यूस करते हैं उनमें जो है डिफरेंट अलील फ्रीक्वेंसीज उनमें क्रिएट करते हैं, डिफरेंट अलील फ्रीक्वेंसी. What is allele frequency? The allele frequency means कितनी बार एक allele एक population of living organism में कितनी बार वो repeat होता है, एक allele, एक particular character का allele, उसको बोलते हैं उसकी allele frequency. और ये हार्डी-वीनबर्ग equilibrium principle जो है, ये यही कहता है कि ये जो allele frequencies होती है एक non-evolving species में over a long period of time वो कॉन्स्टेंट रहते हैं, यानी उनमें चेंज नहीं आता है, फ्रीक्वेंसी रिमेन द सेम कॉन्स्टेंट. अंडरस्टैंड. नाउ अगर इसको मैं डिफाइन करूंगा, स्टेटमेंट दूंगा किसका, हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल का, तो ये क्या बोलता है, ये बोलता है
दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द अलील फ्रीक्वेंसीज, जितने भी अलील्स होते हैं एक पॉपुलेशन में उनकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो कांस्टेंट होती है सबके सबकी, अंडरस्टैंड? यानी जितनी बार एक अलील रिपीट होता है उतनी बार दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा भी. स्टेट्स दैट द अलील फ्रीक्वेंसीज ऑफ अ नॉन इवॉल्विंग स्पीशीज, यानी ऐसी स्पीशीज जिसमें एवोल्यूशन नहीं होता है, यानी इट स्टेट्स दैट द एवोल्यूशन अलील फ्रीक्वेंसीज ऑफ ए नॉन इवॉल्विंग स्पीशीज रिमेन्स कॉन्स्टेंट. वो क्या रहती है? कॉन्स्टेंट रहती है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, अनलेस, लेकिन कब तक? इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल फोर्स. जब तक उसको एक्सटर्नल फोर्स अफेक्ट नहीं करता है तब तक उनमें सभी अलील फ्रीक्वेंसी जो होती है वो क्या रहती है? बराबर रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है. मैथमेटिकली इस जो रिलेशन इसकी है वो है पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू वन, अंडरस्टैंड? देन कॉन्स्टेंट, अंडरस्टैंड? तो पी स्क्वायर यहां पर रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ, पी स्क्वायर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of frequency of a homozygous allele, understand? Dominant allele. For example, AA. तो for example, अगर हम यहां पर represent करेंगे, for example, frequencies will represent by means of P and Q. For example, in a population, the frequencies of alleles, genes, can be represented by means of P and Q, understand? And then what is the probability of occurrence of this homomorphic dominant जो है, dominant alleles जो है वो उनकी frequency क्या हो सकती है? For example, वो हम रखेंगे किसके बराबर? That is probability of frequencies A into A, that's called P square, understand? PP, ठीक है? Then it's called P square. Then what is the probability of recessive homozygous allele? Then this is individual. Recessive homozygous individual, dominant homozygous individual, its probability is A square. And this small a is the, its frequency is written by Q. The frequency of A alleles is equal to P and frequency of A alleles is equal to Q. Understand? Then, what will be the frequency of double A alleles, dominant, recessive, homozygous alleles, individual? It will be Q square. Understand? The, what will be the probability of frequency of heterozygous condition, heterozygous individual? That will be capital A and this A. And that will be 2 into PQ. That means, this either this allele and either That allele जो है वो जो है रिप्रेजेंट होगा, अंडरस्टैंड? तो यहां पर क्या कहते हैं हार्डी वेनबर्ग, कहते हैं एक नॉन इवॉल्विंग स्पीशीज जो होती है जिसमें एवोल्यूशन नहीं हो रहा होता है उसमें जितने भी अलील्स होते हैं, जितने भी जीन्स होते हैं, जितने भी उनकी कॉपीज होती है, उनकी फ्रीक्वेंसी जो होती है यानी नंबर ऑफ टाइम्स दे अकर इन अ पॉपुलेशन, वो हमेशा सेम होता है हर एक अलील के लिए. फॉर एग्जाम्पल अगर हम फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करेंगे पी और क्यू से, देन डोमिनेंट अलील की फ्रीक्वेंसी पी और रिसेसिव अलील की फ्रीक्वेंसी जो है वो हम क्यों से रिप्रेजेंट करेंगे. देन डबल डोमिनेंट जो है होमोजाइगस इंडिविजुअल की प्रोबेबिलिटी जो फ्रीक्वेंसीज की होगी अलील्स की वो होगी पी स्क्वायर और इसी तरह रिसेसिव की क्यू स्क्वायर और ए एंड ए का एक साथ होना इसका इसकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है ट्वाइस पी क्यू, आइदर दिस ए आइदर दैट, अंडरस्टैंड? देन what we called as, तो इसको इन्होंने कहा फिर मैथमेटिकल रिलेशन में दिस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू आर टू पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू वन. दैट मीन्स ऑल दीज फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑल दीज अलील्स दे विल रिमेन कॉन्स्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन अनलेस
दे आर नॉट मेट बाय एक्सटर्नल फोर्सेस, तब तक जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स इन पे असर नहीं करता है, यानी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करेगा एक पॉपुलेशन पे वो तब तक इवॉल्व नहीं होगी। मगर ऐसा यूजुअली नेचर में नहीं होता है, क्योंकि इन्फ्लुएंस तो रहता ही है एक्सटर्नल फोर्सेस का, वो हमेशा म्यूटेट करते रहते हैं उनको, इस तरह उनमें एवोल्यूशन होता रहता है, ठीक है। लेकिन जब तक वो नहीं होती है, ये हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल कहता है एवोल्यूशन कैन नॉट ऑकर, एवोल्यूशन कैन नॉट ऑकर इन अ स्पीशीज, इन अ स्पीशीज इफ दीज फाइव कंडीशंस, अगर पांच कंडीशंस नहीं होंगी पॉपुलेशन में, नहीं पांच एक्सटर्नल फोर्सेस इन पे अप्लाई नहीं करेंगे, तो तब जाके इनमें एवोल्यूशन नहीं होगा, तब जाके उनकी अलील फ्रीक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट रहेगी जनरेशन टू जनरेशन, यानी वो इवॉल्व नहीं होंगी, चेंज नहीं होगी। एवोल्यूशन कैन नॉट ऑकर इन अ स्पीशीज इफ दीज फाइव कंडीशंस आर डू नॉट ऑकर, अगर ये कंडीशंस उनमें नहीं होंगी। अंडरस्टैंड, नंबर वन है नो जेनेटिक ड्रिफ्ट, अगर उनमें जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब होता है द चांस एलिमिनेशन ऑफ सर्टन जीन्स, किसी कुछ जीन्स का एलिमिनेट हो जाना, डिलीट हो जाना एक पॉपुलेशन से, पॉपुलेशन के जीनोम से, उसको बोलते हैं हम व्हाट इज दैट कॉल्ड, दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज, उसको हम बोलते हैं दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। नो जेनेटिक ड्रिफ्ट, नो म्यूटेशन, अगर उनमें कोई भी म्यूटेशन नहीं होगी, अंडरस्टैंड, ठीक है, ना जेनेटिक ड्रिफ्ट होगा ना म्यूटेशन होगी, ना उनमें नो जीन फ्लो, कोई जीन फ्लो नहीं होगा, इधर के जीन्स उधर नहीं, उधर के जीन्स इधर नहीं, तो जीन फ्लो नहीं होगा, अंडरस्टैंड, एंड नो जेनेटिक रिकम्बिनेशन, यानी उनमें रिकम्बिनेशन ऑफ जीन्स नहीं होगा, अंडरस्टैंड, नो जेनेटिक रिकम्बिनेशन, एंड नंबर फाइव दैट्स कॉल्ड नो नेचुरल सिलेक्शन प्रेशर, और नेचुरल सिलेक्शन प्रेशर, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, वो जब तक उनमें नहीं होगा तो उनमें एवोल्यूशन नहीं होगा। जब ये सभी कंडीशंस नहीं आकर होंगे तो अलील फ्रीक्वेंसी जो है तो एवोल्यूशन भी नहीं होगा, एंड अलील फ्रीक्वेंसीज कॉन्स्टेंट रहेंगी, क्या रहेंगी, अलील फ्रीक्वेंसीज कॉन्स्टेंट रहेगी, यानी पॉपुलेशन इवॉल्व नहीं होगी। लेकिन यूजुअली ऐसा नहीं होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट होता ही होता है, म्यूटेशन होती ही होती है, जीन फ्लो होता ही होता है, जेनेटिक रिकम्बिनेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन प्रेशर, दिस ऑलवेज एक्ट ऑन ए पॉपुलेशन, दैट्स व्हाई अ पॉपुलेशन इवॉल्व्स इन अ ड्यू कोर्स ऑफ टाइम एंड अ न्यू स्पीशीज केम इनटू एग्जिस्टेंस, अंडरस्टैंड। But according to Hardy-Weinberg equilibrium principle, if these five conditions are not met in a population, then the total number of their gene frequencies, total number of their allelic frequencies will remain the constant. There will be no change in their allelic frequencies, and likewise there will be no evolution in them. तो उनमें कोई change नहीं होगी, कोई evolution नहीं होगा, अगर ये कंडीशंस मेट हो गए। तो ये हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल हमें बताता है कि एक नॉन इवॉल्विंग स्पीशीज में क्या है, उनका जेनेटिक कंपोजिशन जो है वो क्या कैसा होता है, तो वो उनकी अलील फ्रीक्वेंसी सबके सब बराबर होते हैं और वो कांस्टेंट होते हैं, ठीक है, और जब तक उनको ये एक्सटर्नल पांच फोर्सेस उन पे असर नहीं करते, अगर ये करेंगे तो डेफिनेटली इवॉल्व होंगे, नहीं करेंगे तो अलील फ्रीक्वेंसीज कांस्टेंट रहेंगे और वो कभी इवॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट यूनिट सेकंड, टुमारो फ्रॉम टुमारो वी विल टेक लास्ट यूनिट, देन एट द एंड वी विल टेक यूनिट थर्ड, अंडरस्टैंड, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज टॉपिक।